मेरा बच्चा, मर गया मेरा बच्चा, आटा लैन गया सी, रोटी खाती है, हाय वे की हो गया तेनू, हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, हाय मैं गई सी शबान शरीफ दे कोल, देन जी अब मरियम नवाज दे कोल, मैं चली सी जी मरियम नवाज दे कोल सर्जरी करवाने दा, मैं पूछना सी उन्हें कितों करवाई, पिछा मेरे बच्चे नु मिले, आटा लैन गया मेरा बच्चा आटा खान लगा, हाय अल्लाह रोको शबान शरीफ नु रोको, रोको शबान शरीफ नु रोको, अल्लाह हाय मेरा बच्चा, हाय मेरा बच्चा, कोई बंदा पानी दे यार, तुम्हारे इन्होंने रिजीम चेंज कर दी। ये कह रहे थे कि बैगर्स कांट बी चूजर्स, हम कह रहे थे एब्सोल्युटली नॉट। ये कह रहे थे हम वेंटिलेटर पे, हम कह रहे थे हम सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, हम खुददार कौम है, हम मयूर कौम है, हम हकीकी आज़ादी के मतवाली कौम है, हम अपने मुल्क से मोहब्बत करने वाली कौम है। इसी बात की सजा दी है इस पूरी कौम को। हाँ जी। पहले इन्होंने इस पूरी कौम को भिकमंगा बनाने की कोशिश की, भूख बांटी है आवाम को, और जो भिकमंगा बनाने के बाद जैसे ही आटे की लाइनें लगाई हैं, आपने देखा मीलों लंबी लाइनों में औरतों को, बच्चों को, बुजुर्गों को बुला के तजलील की जाती है, इस आटे के नाम पे मौत बांटी गई। इस मुल्क में ये मनाजर हमने कभी नहीं देखे, कभी यहाँ पर ऐसे नहीं हुआ। यहाँ तो एक हाथ से लोग देते हैं तो दूसरे से पता नहीं चलता। हमारी वो कौम है जिसने ज़कात करार और जो अल्लाह के नाम पे बांटना, और इन रोज़ों के महीने में तो यहाँ पे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। आज बांटने वाले लाइनों में लग के जब ये 10 किलो के आटे की थैला लेके जा रहे हैं और 7 नौजवान बच्चों की औरतों की मौत लाशें लेके जा रहे हैं, तो ये गुलामी करने के लिए पाकिस्तान की मईशत को लेकर आए वेंटिलेटर, इनके असल अजाइम कुछ और हैं। आज ये पाकिस्तान की पंजाब से माएँ बहनें बेटियाँ आई हैं, जेलम से आई हुई हैं, चकवाल से आई हुई हैं, फैसलाबाद से, उकाड़ा से, साहिवाल से, बागपतन से, ये पूरे पूरे रीजन वेस्ट का आया हुआ है, पूरा रीजन नॉर्थ का आया हुआ है, और ये क्यों क्या कहने आई हैं, ये कोई तस्वीरें खिंचवाने नहीं आई हैं, ये उन अपनी बहनों की, क्योंकि ये अवामी नुमाइंदे हैं, ये उनकी आवाज़ है। जो सुबह सहरी के टाइम पे आपने तो कहा ना रोटी गीली करके खा रही है, पेट पे पत्थर बांध रही है माए, क्या करे अपने बच्चों को बिलकता देखती है। जिस मुल्क में अंडा 300 रुपए दर्जन हो जाए और आटे की ये हालत हो, तो मुझे बताएं वो माँ अपने बच्चे को सुबह अंडा पराठा बना के भेज सकती है? भूखे बच्चे जा रहे हैं। क्यों लोग आजकल अपने बच्चों को जहर दे के खुद भी जहर खा लेते हैं? इस तजलील से, इस भूख से, इस इफलास से, और इस जो इनके तजलील की गई है, बेइज्जती की गई है आवाम को, जिस तरीके से उन्होंने भीख मंगा बनाया है, उससे लोग तंग आके खुदकुशियां कर रहे हैं। शर्म से डूब मरे ये सफाक कातिल जो हमारे ऊपर साजिशें करके बैठे और पूरे मुल्क को गुलाम बनाना चाहते हैं, और इस आवाम को सजा दे रहे हैं कि इन्होंने हकीकी आज़ादी की आवाज़ क्यों बुलंद की है। अच्छा, मरियम नवाज की आजकल अफतारी के बड़े चर्चे हैं और वो फ्रूट चाट को बड़ा तरजीह कर रही हैं, और यहाँ पे काफ़ी ख़वातीन ऐसी हैं जिनको मैंने पूछा है, वो कह रहे हैं कि हमें 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 9 माह हो गए हैं कि हमने गोश्त का मुंह ही नहीं देखा, खाया नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मरियम नवाज़ जो कि इस वक्त हुकूमत की सबसे बड़ी सरबराह हैं, वज़ीर आज़म से बड़ी लगती हैं, वो फ्रूट चाट खाती हैं और बड़ा मज़े से इंजॉय करती हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? उसको शायद पता नहीं है बेचारी को। इसी सवाल को लिंक करो, खान साहब वहाँ पे जमान पार्क अपने कारकुनों के साथ बैठ के ज़मीन पे बैठ के अफतारी करते हैं, और मरियम नवाज़ जो है उनके जो है डिशेस देखकर एक बड़ा तसव पैदा होती है। मरियम नवाज़ अपनी कनीज़ों के साथ जो नस्ल दर नस्ल गुलाम है ना, एक डोई में एक जो है वो चाट मसाला छिड़क रही है, उसकी इतनी औकात है कि चाट मसाले छिड़क छिड़कती रहती है, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट पर हमले करती है। वो बीबी जितनी तू पिद्दी है, तेरा जितना शोरबे का साइज़ है, तू उतनी उछलना, तेरी मालकन के तू फ्रूट चाट में सिर्फ चाट मसाला डालने वाली है, और या तुम सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नमक पाशियाँ और अटैक कर रही हो, जितनी औकात है उतनी रहो। एक कितनी कनीजे है वैसे इसकी? इतनी तनख्वाह में चाट मसाला ही छिड़कना मिलता है, बस काफ़ी है। अच्छा, कनीजे कितनी है इसकी? सुने,
और जो हेड कनीज है वो लाल लाल अनार डाल रही है। अब मैं उसको ये बताऊँ कि अपनी तरफ से तो तुमने स्टंट खेला था कि लोग बड़ी शाबाशें देंगे, बेवकूफ़ों को यही नहीं पता कि ये लाल अनार तो सुनारे की दुकान में शोकेस में रखे हुए हैं, आवाम तो बेचारी खरीद नहीं सकती। इन्हीं के दौरे हुकूमत पिछले में भी आवाम ने बायकॉट किया था फलों का, आज भी यही हालात है, हम खा ही नहीं सकते। मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास भी फ्रूट नहीं खरीद सकते। अगर आप किलो किलो के फ्रूट भी लेने जाए ना, 3-3 हज़ार रुपए में फ्रूट आते हैं। तो आज आपके तवज्जुद से सारी बहनें फ्रूट के बायकॉट का अनाउंस कर रही हैं, हम फ्रूट खरीदना बंद कर रहे हैं जो इतना महंगा फ्रूट है, और जो इस तरह के चोर हमारे ऊपर मुसल्लत चीजें खाते हैं हम उस पर वैसे ही लानत। मैडम एक सवाल आपसे बड़ा है, पाकिस्तान तरीके साहब के चेयरमैन इमरान खान ने गुज़िश्ता एक साल के जलसों के रिकॉर्ड लगा दी, क्राउड के रिकॉर्ड लगा दिए, आप ये कहिए कि मुल्क की ताकत पर लोगों ने मुल्क की हालात को बेहतर करने के लिए क्या इमरान खान से मुज़ाकरात की उन्हें कोई दावत दी है? देखिए, मुज़ाकरात की दावत आईन और कानून के फ्रेमवर्क के अंदर हो सकती है, आईन से हट के कोई बात नहीं हो। और मुज़ाकरात की दावत उन्होंने पहले भी दी थी क्योंकि वो पाकिस्तान को चलाना चाहते हैं, इनकी तरह बंद नहीं करना चाहते। और जो आपने कहा था कि आवाम का लीडर आवाम में ही बैठता है, और जो हलाल खाते हैं ना वो ज़मीन पर बैठ के ही खाते हैं, अपने माल से जो खा रहे हैं उसके माल में भी बरकत होती है और उसके खाने में भी बरकत। नवाज शरीफ कब आ रहा है? नवाज शरीफ आ रहा है 31 अप्रैल को या 32 अप्रैल। 14 मई को इलेक्शन होंगे जी, 14 मई को इलेक्शन होने जा रहे हैं। अगर इस मुल्क में आइन है, कानून है, जमहूरियत है, तो फिर आप इलेक्शन नहीं रोक सकते, खुदा ना खास वरना मेरे अजीज हम वतनों फिर एक ही दफा अनाउंस कर। अगर इलेक्शन नहीं होते तो पीडीए का क्या लाइम होगा? इलेक्शन नहीं होते का मतलब है मार्शल लॉ।